डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन दिस इज अवर लेक्चर नंबर थ्री स्टैंडर्ड टेंथ चैप्टर नंबर फाइव हीट आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है स्टैंडर्ड टेंथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन और इस टॉपिक का नाम है हीट ये है हमारा चैप्टर नंबर फाइव इसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर थ्री ये लेक्चर देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू चैप्टर हीट का देखना ज़रूरी है अगर आप पहले के वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपका लिंक नहीं लगेगा आपको समझने में तकलीफ़ होगी इसके पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन में चैप्टर नंबर वन टू फोर के वीडियोस लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता है वहाँ पर आप जाएंगे उन वीडियोस को देखेंगे हमने जो लेक्चर्स और वीडियोस बनाए हैं वो है हमारे चैप्टर नंबर वन ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर थ्री हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फोर इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव हीट स्टैंडर्ड टेंथ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को देखेंगे जिनके जो वीडियोस, लेक्चर्स मिस हुए हैं उन पहले के वीडियोस, लेक्चर्स देखना है और चैप्टर नंबर फाइव हिट चैप्टर का आज हमारा है लेक्चर नंबर थ्री ये लेक्चर देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर वन वीडियो नंबर वन वीडियो नंबर टू देखना है लिंक लगाना है फेसबुक को रेफर करना है पूरा वीडियो देखना है हेडफोन लगाना है अच्छे से सुनना है आपके खुद के ओ नोट्स बनाएंगे खुद के नोट्स बनाएंगे आप और स्मार्ट वे में आपको पढ़ाई करना है क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूँ कि साइंस एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर चाहिए और इसीलिए आपको पूरे वीडियोज़ देखना है अच्छे से स्टडी रूम में बैठना है टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र करना है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से एक पेज पर लिख कर उसको रिवाइज करना है बार बार रिवाइज करना है क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है रीडिंग नहीं है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन आपको कभी समझ में आएगा नहीं और आप कभी भी इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते इसके पहले कई स्टूडेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन में बोर्ड एग्ज़ाम में स्कूल एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स कवर किया है उनको मिले है उसके लिए उन्होंने हार्डवर्क किया जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है समझना है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है पूरे वीडियोस को हेडफोन लगाकर पूरा वीडियो देखेंगे बार बार सुनेंगे और आज जो लेक्चर हम वीडियो बना रहे हैं ये हिट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर इसको मिस नहीं करेंगे अच्छे से देखेंगे सुनेंगे और स्मार्ट वे में पढ़कर पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जब आप स्कूल में जाएंगे टीचर के पढ़ाने से पहले इन वीडियोस को लेक्चर को देखकर जाना है और जाके अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो स्मार्ट वे में आपको आंसर्स देना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन का हमारा पेपर होता है फोर्टी मार्क का पेपर है और इसमें चैप्टर है बहुत ज़्यादा और मार्क्स होते हैं कम और इसीलिए आपको बहुत कंसंट्रेशन रीडिंग की इसमें बहुत ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और जो भी वीडियोस लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं है, तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं क्लासेस में सेक्शंस में उन मैक्सिमम लोगों को रिलेटिव्स में फैमिली में लोगों को बताएंगे और इन वीडियोस से लेक्चर से आपको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट होने वाला है इसका आप बेनिफिट लेंगे और कमेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी आपको लिखना है जिससे हमें इनक्रेजमेंट मिलेगा और इन वीडियोस को मैंने आपके लिए बहुत सिंपल वे में सिंपल लैंग्वेज में बनाया है इसका आप सबको बेनिफिट लेना है तो चलिए अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड टेन चैप्टर नंबर फाइव हिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन लेक्चर नंबर थ्री रेफर लेक्चर वन एंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उसके बाद इसके पहले हमने जो लेक्चर्स वीडियोस बनाए हैं चैप्टर वन टू तो फोर उन सभी लेक्चर्स वीडियोस को आपको देखना है चलिए अब इसके पहले के लेक्चर्स में वीडियोस में हमने हीट चैप्टर में अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ हमने सबसे पहले देखा हीट और हीट का मतलब क्या होता है हीट और टेम्परेचर के बीच में का डिफरेंस क्या होता है उसके बाद हमने पढ़ा लैटेंट हीट क्या होता है लैटेन हीट का इम्पॉर्टेंस हमने देखा उसके बाद हमने पढ़ा लैटेंट हीट और फ्यूजन के बारे में उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा लैटेंट ईट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में देखा बॉइलिंग पॉइंट का डिटेल हम लोगों ने देखा है उसके बाद रिजिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो उसके पूरे कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू में तो चलिए अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर थ्री स्टैंडर्ड टेंथ हीट चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट आने वाला है क्वेश्चन आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट इस लेक्चर में वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वॉटर एनामलस का मतलब होता है अब नॉर्मल इनरेगुलर अनयूजल एक्सेप्शनल बिहेवियर सबसे अलग तरीके का बिहेवियर सबसे अलग तरीके का बिहेवियर वाटर ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका बिहेवियर बाकी लिक्विड से अलग है और इसीलिए इसको बोलते एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर अब नॉर्मल बिहेवियर अनयूजल बिहेवियर एक्सेप्शनल बिहेवियर और इसके ऊपर 100 परसेंट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर तो चलिए अब हम देखेंगे ये अब नॉर्मल अलग तरीके का वाटर का ऐसा कौन सा बिहेवियर है और इसके नेचर में कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट ग्राफ्स का डिटेल इसके ऊपर एमसीक्यू कहीं पर भी मैच द पेयर कोई भी 100% परसेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा होप सेपरेटर्स उसका डिटेल सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे एनएल बीयर ऑफ वाटर क्या होता है जनरली लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग जितने भी लिक्विड्स है वो एक्सपांड होते हैं हीटिंग हीट करने के कारण लिक्विड्स आर एक्सपांशन प्लेस लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग जितने भी लिक्विड है अगर हमने उसको हीट सप्लाई किया तो उसका एक्सपांशन होता है और अगर उसको हमने कूल cool किया तो दे विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड दिस इज़ द जनरल बिहेवियर ऑफ़ लिक्विड अब वाटर का देखिए वाटर हाउ एवर शोज़ एन एक्सेप्शनल बिहेवियर वाटर का बिहेवियर थोड़ा अलग तरीके का है और इसीलिए इसको बोलते हैं एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर वाटर का बिहेवियर देखिए क्या होता है इफ़ वाटर ऐट रूम टेम्परेचर इज़ कूल्ड वाटर को अगर कूल cool किया तो कूल cool किया तो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए और हीट किया तो एक्सपांशन होना चाहिए अब वाटर का देखिए वाटर हाउेवर शोज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर वाटर ऐट रूम टेम्परेचर इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट टिल फोर डिग्री सेंटीग्रेड फोर डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कूल cool किया तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लेकिन ओनली इट इज़ अप टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद भी होना चाहिए लेकिन होता नहीं इट इज़ ओनली अप टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अप टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड बट इफ़ इट इज़ कूल बिलो 4 डिग्री cool जैसे ही टेम्परे 4 डिग्री से कम हुआ कूल cool किया बिटवीन फोर टू ज़ीरो डिग्री फोर से ज़ीरो तक कुल कर रहे हैं मुझको फोर से ज़ीरो इट एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपांड होता है जैसे ही टेम्परेचर फोर डिग्री से कम होगा इट एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस इज़ एनेल बिहेवियर बिटवीन फोर डिग्री एंड ज़ीरो डिग्री ऑन द कॉन्ट्ररी ईप वाटर इज़ एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हीटेड हीटेड किया तो एक्सपेंशन होना चाहिए इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग अप टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड जीरो से फोर फोर से ज़ीरो फोर से ज़ीरो में एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ज़ीरो टू फोर में कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग धिज बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ़ वाटर बिटवीन फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एनेमल बिहेयर ऑफ वाटर और इसके एग्जाम्पल्स नेचर में कौन कौन से है तो आपको पता होना सरवाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कोल्ड कंट्रीज़ में विंटर सीजन में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल उनका सर्वाइवल होना क्रैकिंग ऑफ रॉक्स इन विंटर विंटर में क्रैकिंग होते बड़े बड़े रॉक्स पाइप कंडक्टिंग वायर इन कोल्ड रीजन ब्रस्ट इन विंटर पाइप क्रैक होते हैं विंटर के सीज़न में कोल्ड कंट्रीज में दीज आर द थ्री इफेक्ट्स ऑफ़ एनामेल बिहेवियर ऑफ़ वाटर नेचर में कौन कौन से है तो आपको ये तीन नेचर पेपर में लिखना है दिस इज़ डिटेल ऑफ़ एनामल बिहेवियर ऑफ ऑफ़ वाटर एग्जाम्पल फाउंड इन नेचर ये तीन एग्ज़ाम्पल आप याद रखेंगे अच्छे से सुनेंगे एक एक वर्ड को एक एक वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है अब हम देखेंगे कि एनामेल बिहेवियर ऑफ़ वाटर को स्टडी करने के लिए जिस अप्रेटस का यूज होता है उसको बोलते होप्स ऐपरेटस दिस इज फिगर ऑफ होप सेपरेटस याद रखिए पेपर में आपको फिगर भी बनाने के लिए बोल सकते होप सेपरेटस का फिगर बनाइए एंड होप्स एपरेटर्स इज यूज टू स्टडी एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर द एनामेल बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विथ होप्स एपरेटर्स याद रखिए दिस इज होप सेपरेटस यूज टू स्टडी एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर ये फिगर की आपको प्रैक्टिस करना है अब इसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे भी इन होप्स होप ऑपरेटर इज अ मेटेलिक सिलेंडर मेटेलिक सिलेंडर है कंटेनर एट द दिडल ऑफ सिलेंडर देयर इज अ फ्लैट बाउल फ्लैट बाउल है सिलेंड्रिकल कंटेनर है टू थर्मोमीटर्स एक नीचे है एक ऊपर है नीचे वाला जो थर्मोमीटर है वो T1 है याद रखिए नीचे वाला थर्मोमीटर T1, ऊपर वाला थर्मोमीटर T2, ऊपर वाला थर्मोमीटर अपर थर्मोमीटर T2, लोअर थर्मोमीटर T1, लोअर थर्मोमीटर का रीडिंग अपर थर्मोमीटर का रीडिंग जो अपर थर्मोमीटर है उसका पहले रीडिंग स्लो है स्लो उसके बाद फास्ट स्लो है यहाँ पर यह स्लो दिया है स्लो फिर यहाँ पे नीचे में फास्ट हो गया ये पहले फास्ट है बाद में ये स्लो हो गया जीरो डिग्री होने में टाइम लगेगा इसको सो दिस इस इज अगेन अ ग्राफ इसको बोलते टाइम टेम्परेचर ग्राफ होप सेपरेटर्स का टाइम टाइम टेम्परेचर ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम टाइम ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर जीरो फोर एट ट्वेल्व तो यहाँ पर जो थर्मामीटर T2 है ये स्लो है यहाँ तक फोर डिग्री तक स्लो उसके बाद फास्ट और लोअर थर्मामीटर T1, ये फास्ट है बाद में स्लो हो गया और ये किसी ने पूछा कि ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है पेपर में पूछेंगे तो आपको बताना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ दोनों मिल रहा है ऑफ Two curve corresponding to the temperature at which the density of water is maximum. the density of water is maximum at four degrees centigrade. Of density maximum, means volume is minimum at four degrees centigrade. Volume of water is minimum at four. Volume or density, they are inversely proportional. ये मिनिमम है वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा फोर डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ये टेम्परेचर के बारे में आपको याद रखना है सो एनेमल बिहेवियर ऑफ वाटर होप सेपरेटर्स इसका बनाया हमने टाइम टेम्परेचर ग्राफ किसी ने पूछा ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है तो आपको बताना है कि ये दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट करस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर एट वीच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम फोर डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का जो थर्मो है पहले वो फास्ट है बाद में ये पहले फास्ट है बाद में स्लो हो गया जीरो फोर के बाद इट बिकम स्लो और थर्मामीटर अपर थर्मामीटर T2 है पहले वो स्लोर रहेगा बाद में फास्ट हो जाएगा फोर डिग्री के बाद जीरो बनने में जल्दी फास्ट हो जाएगा वो तो इसमें क्या क्या है सिलेंड्रिकल कंटेनर है एक बाउल है ये सब फिगर है उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है द फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ टू थर्मामीटर वन एट अपर रीजन एंड लोअर रीजन टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए थर्मोमीटर है द फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस आइस और टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर इज यूज इन द फ्लैट बॉल या बॉबल में दिया है बॉल में टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट एवरी थर्टी मिनट वाटर एट टेन डिग्री सेंटीग्रेड, इज पोअ इन टू द सिलेंड्रिकल कंटेनर पानी को इसके अंदर डालना है इनिशियली बोड टेम्परेचर शोज़ द टेम्परेचर जीरो डिग्री टेन डिग्री सेंटीग्रेड दोनों टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर हमने लिया इनिशियल में दोनों थर्मोमीटर का टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा उसके बाद फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण यहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस होगा कूलिंग का प्रोसेस होने के कारण टेम्परेचर फॉल होगा फिर टेन फिर होगा नाइन फिर एट ये चलते रहेगा अब टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जो पहला जो थर्मामीटर T1 है आपको पहले बताया कि इसका टेम्परेचर जो है वो फास्ट फोर डिग्री तक फास्ट आई है और इसका थर्मा अपर थर्मामीटर T2 का टेम्परेचर पहले स्लो है बाद में फास्ट है ये आपको नोट करना है

ड्यू टू दिस फॉर सम टाइम्स द टेम्परेचर एट बॉटम शोज टेम्परेचर ऑफ फोर डिग्री याद रखिए पेपर में पूछेंगे कि नीचे का जो थर्मामीटर है लोअर थर्मामीटर शोज़ टेम्परेचर फोर अपर ज़ीरो याद रखिए स्टार किया है मैंने यहाँ पे एज द टेम्परेचर फॉल्स फोर डिग्री वाटर इन द रीजन एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपांशन होता है अब एनामेल बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटीज का डिक्रीज़ होगा एंड वाटर राइज टूअर्ड्स द सर्फेस ऊपर जाएगा वो

विल द लेवल ऑफ़ वाटर राइज और फॉल इन द सिलेंडर वेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्राम फोर टू टू वाटर एक्सपांड होगा एक्सपांड हो जाएगा इसी लिए उसका जो लेवल है वो राइज होता है वाटर ऑफ टू थर्मोमीटर टी वन और टी टू विल शो टेम्परेचर ऑफ़ जीरो डिग्री फर्ज ज़ीरो डिग्री सबसे पहले कौन सा थर्मोमीटर टेम्परेचर बताएगा टी वन बताएंगा कि टी टू तो T1 बताएगा 4 और ये बताएगा 0 इसलिए थर्मोमीटर T2 टू विल शो टेम्परेचर ऑफ ज़ीरो डिग्री फर्स्ट पाइपलाइन क्रैक इन द विंटर सीजन इन द कोल्ड कंट्रीज ड्यू टू विच फिन एन एम एल एस बिहेवियर ऑफ वाटर तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डिटेल देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछते हैं डिटेल्ड क्वेश्चन में तो आपको ऐसे आंसर लिखना है चलिए अब और एक ग्राफ हम देखेंगे इसको बोलेंगे टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका यूनिट दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इसका ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम धीरे 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 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है इधर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अब ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है धीस ग्राफ शोज इफ द वॉटर इज इटेड फ्रॉम जीरो टू तो फोर डिग्री सेंटीग्रेड इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग और आपको ये बताया कि वाटर जो वॉल्यूम है इट इज मिनिमम एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड विच बिहेवियर ऑफ वाटर इज शोज ये ग्राफ कौन सा बता रहा है ये तो आपको बताना है एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर एट वॉट टेम्परेचर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम फोर डिग्री सेंटीग्रेड सीन डेंसिटी इज मैक्सिमम फोर डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम इज मिनिमम

डेंसिटी इट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ये उसका फार्मूला है तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज होता है ग्राफ भी बताया सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ आपने देखा होगा कि कोल्ड कंट्रीज में ऊपर का जो लेयर है वो आइस का रहता है लेकिन नीचे में वाटर रहता है ऊपर में आइस नीचे में वाटर और जो एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड कंट्रीज में रीजन में होते हैं नीचे का टेम्परेचर होगा फोर डिग्री ऊपर का टेम्परेचर होगा ज़ीरो ऊपर में आइस का लेयर फॉर्मेशन होगा लेकिन इन साइड में जो वाटर है उसका टेम्परेचर फोर डिग्री रहने के कारण प्लांट्स एनिमल वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं सो दिस इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ एनामल बिहेवियर ऑफ वाटर इसको भी आपको पेपर में एक्सप्लेन करते आना चाहिए इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे इन कोल्ड कंट्रीज डूरिंग विंटर द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स टू ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड और इवन बिलो कोल्ड कंट्री में टेम्परेचर जीरो डिग्री या उससे कम होता है तो आइस का फॉर्मेशन होता है एज द टेम्परेचर ऑफ इयर डिक्रीजेज द वाटर एट द सर्फेस ऑफ लेक बिगिनस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होता है वे द टेम्परेचर ऑफ़ वाटर फॉल्स बिलो फोर डिग्री ड्यू टू एनामेल बिहेवियर ऑफ़ वाटर द वॉटर एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग

हैंस ड्यू टू एनेमल ऑफ वाटर एक्वेटिक एनिमल स्टे अलाइव इवन वेन द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स बीरो ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करना है इस ग्राफ का आपको मीनिंग पता होना कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है होप्स ऑपरेटर्स उसका डिटेल मालूम होना एन एम एल एस बेर ऑफ वाटर इसके ऊपर स्टैंडर्ड टेन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो को लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे देखेंगे टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना है अच्छे से पढ़ना है सुनना है कॉन्सेंट्रेशन की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसके ऊपर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन का जो चैप्टर फाइव है हेट एक छोटा चैप्टर है इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन है पर जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिज्यशन लैटेंट हिट हीट का डिटेल और अब हमने देखा आज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होप्स एपरेटर्स ग्राफ हमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर का वॉल्यूम का और यहाँ पर हमने देखा टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ उसका मीनिंग एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे हेडफोन लगाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे जो वीडियो मिस हुए हैं, लेक्चर मिस हुए वो देखेंगे स्मार्ट वे में पढ़ेंगे और आपके फ्रेंड्स को बताएंगे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे और स्कूल में पढ़कर जाएंगे और टीचर को इम्प्रेस करना है थैंक यू